नमस्कार दोस्तों, हम आपको वर्ब सिखा रहे थे। वर्ब में ये तीसरा पार्ट है हमारा, तो सीखते हैं आगे। तो हमने बात कर ली थी ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है जिसका अर्थ इंट्रांजिटिव वर्ब में ही निहित होता है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ही वो छुपा होता है, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब के अर्थ में समानता होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कोगनेट ऑब्जेक्ट्स या कोगनेट एक्यूसेटिव्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए माय ग्रैंडफादर लिव्ड हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पे देखोगे कि जो लिव्ड है और ए हैप्पी लाइफ है, तो इस ए हैप्पी लाइफ का संबंध इसी लिव में छुपा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना, ये लिव्ड, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसके मीनिंग में ही ये ऑब्जेक्ट की भी मीनिंग छुपी हुई है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कोगनेट ऑब्जेक्ट या एक्यूसेटिव बोलते हैं, ठीक है, कोगनेट एक्यूसेटिव, क्योंकि इसकी मीनिंग इसी में छुपी है। ऐसी ये देखो, रितिका सैंग ए मेलोडियस सॉन्ग, तो सैंग में ही ये सॉन्ग छुपा हुआ था, ठीक है। यानी एक ऐसा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग इसी के अंदर छुपा हुआ था। तो इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि इसका प्रयोग किस तरह हुआ है, तो कोगनेट ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, ठीक है। ऐसी विनीता ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम, तो ड्रीम में ही ड्रीम छुपा हुआ है, तो ये इसका भी प्रयोग किस तरह से हुआ है, तो इसका कोगनेट ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। आई स्लेप्ट ए साउंड स्लिप, देखो स्लेप्ट में ये स्लिप छुपा हुआ है, तो यानी इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसके मतलब इसी में मीनिंग निकल गया था, तब भी हमने ये लिखा। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है इस ट्रांजिटिव का जो इसकी मीनिंग इसी में छुपी हुई है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी मीनिंग उसके इन्फिनिटिव वर्ब में छुपी होती है, तो ऐसे वर्ब को कहते हैं। इसका प्रयोग किस तरह हुआ है, तो कोगनेट ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, सी यू आने कोगनेट ऑब्जेक्ट। दे हैव फाउट ए गुड फाइट, तो फाउट में ये फाइट छुपा हुआ था, तो यानी ये फाइट किसके लिए यूज हुआ, इसकी मीनिंग इसी में छुपी हुई है, तो इसको बोलेंगे ये कोगनेट ऑब्जेक्ट है या कोगनेट एक्यूसेटिव है, सही है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कभी कभी इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह किया जाता है, तो कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कभी कभी उनका प्रयोग इन ट्रांजिटिव की तरह हो सकता है। जैसे हमने लिखा सी ब्रोक द प्लेट, तो ब्रोक के बाद जो प्लेट आया है यानी नाउन आया है, तो इस वर्ब के बाद नाउन आया है, तो इस वर्ब का इस्तेमाल किस तरह हुआ, इन ट्रांजिटिव की तरह हुआ है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, द प्लेट ब्रोक इन टू पीसेस, तो इनटू प्रीसीज जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखो यहाँ पे भी ब्रोक, यहाँ पे भी ब्रोक, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव का काम कर रहा है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ट्रांजिटिवली भी और इंट्रांजिटिवली भी। तो जब इनके बाद नाउन प्रोनाउन आए तो इसका प्रयोग ट्रांजिटिव, और जब इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आए नाउन प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अंशु ओपन द गेट, तो अंशु ओपन द गेट, तो ओपन एक ऐसा वर्ब है जिसके आगे गेट यानी इसका ऑब्जेक्ट है, तो जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। द स्कूल ओपन एट 7 o'clock, ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी ये जो ओपन है ये एक ऐसा वर्ब है जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो हमने देखा एक ओपन एक जगह ट्रांजिटिव का काम कर रहा है, एक जगह इंट्रांजिटिव का भी काम कर रहा है। जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कॉजेटिव सेंस यानी प्रेरणार्थक भाव में किया जाता है, तो यह ट्रांजिटिव हो जाता है। ये देखो ये इंट्रांजिटिव है और अभी हम इसका ट्रांजिटिव बना देंगे। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग कॉजेटिव सेंस यानी प्रेरणार्थक भाव में किया जाता है, तब ये इंट्रांजिटिव बन जाता है। जैसे ही रन फास्ट, तो ये तो इसने खुद काम किया है। बर्ड्स फ्लाई, ये सब्जेक्ट ने खुद काम किया है। मैनी ट्री फॉल इन द फ्लड, तो ये भी सब्जेक्ट ने खुद काम किया है। लेकिन ही रन ए मेडिकल शॉप, तो ये खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक इस काम को कर रहा है, मेडिकल को चला रहा है, यानी ये इसका प्रेरणा बन रहा है, तो इसको बोलेंगे कि अब ये कैसा वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख दिया है। ऐसी द बॉयज फ्लाई देयर काइट और वुड कटर फेल ट्री, तो देखोगे इन वर्ब के बाद अपना एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल ट्रांजिटिव हो गया है, और यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव था। उसके बाद हम यहां से पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन।
ऐसे वर्ब जो अपने आप में पूरा अर्थ यानी कंप्लीट सेंस नहीं प्रकट करते, यानी जिनके ऑब्जेक्ट के आगे कोई शब्द देने की आवश्यकता होती है, उन्हें वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आगे कुछ और शब्द लिखने पड़ते हैं तभी उनकी कंप्लीट मीनिंग निकलती है, नहीं तो उसकी मीनिंग पूरी नहीं निकलेगी। तो जिनकी मीनिंग पूरी नहीं निकलेगी तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, उन्हें वर्ब की इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। जो शब्द या शब्द समूह ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और वर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेशन से प्राय बीइंग, बिकमिंग, सीम, अपीयरिंग, होना, लगना, प्रतीत होना इत्यादि का भाव व्यक्त होता है। देखो यहाँ पे हमने एक सब्जेक्ट लिया वी, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है मेड, वी मेड हिम, हिम ऑब्जेक्ट है और वी मेड हिम, अगर हम इतना ही रहने दें वी मेड हिम, हमने उसे बनाया तो लेकिन फुल मीनिंग नहीं निकल ली क्या बनाया, तो हमें इनके आगे क्या लिखना पड़ेगा, एक कैप्टन लिखना पड़ेगा, तो वी मेड हिम कैप्टन। तो ये जो मेड है ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा है तब भी इसकी मीनिंग नहीं निकल रही है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमें एक शब्द और लिखना पड़ेगा जो कि इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद अगर एक अच्छी मीनिंग के लिए कुछ और लिखना पड़े तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टन एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो वी मेड हिम कैप्टन। तो कैप्टन यहाँ पे जो है ना, तो नेचर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट में ये जो कैप्टन है ये नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो जो नाउन हुआ ये अब इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, तो ये कैसा वर्ब हुआ, तो ये एक इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला वर्ब हुआ। ऐसी द जज फाउंड हिम गिल्टी, तो गिल्टी जो है देखो द जज फाउंड हिम, अगर हम इतना लिख दें द जज फाउंड हिम तो मीनिंग नहीं निकलेगा, यहाँ पे गिल्टी लिखना पड़ेगा, तो गिल्टी क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई सो हर स्माइलिंग, तो आई सो हर स्माइलिंग, तो हर के बाद हमें स्माइलिंग लिखना पड़ेगा तभी इसकी कंप्लीट मीनिंग निकलेगी। तो ऐसा वर्ब जिसमें उसके आगे और कुछ लिखना पड़ता है तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इससे पूरा सूचना नहीं मिल रहा है, तो सो एक ऐसा वर्ब हुआ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आई सो हर स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो ये एक तरह से पार्टिकल्स हुआ। ठीक है, ऐसे लिखा है वी लाइक द डिसऑनेस्ट टू बी पनिश्ड, तो वी लाइक द डिसऑनेस्ट टू बी पनिश्ड, तो यहाँ पे जो टू बी पनिश्ड है ये टू बी जो है ये आपका इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इट ट्रेम्बल्ड हिम विद फियर, तो विद फियर प्रीपोजिशन उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है ये। आई फाउंड देम अस्लीप, अस्लीप एक एडवर्ब है। ऐसी द डॉक्टर लेफ्ट द पेशेंट एज ही वाज, ये सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये क्लोज है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक कॉम्प्लीमेंट जो होता है वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, और वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं जो कम्प्लीट मीनिंग करते हैं इन्हें बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किन किन शब्दों का बना हो सकता है, उसका नेचर क्या क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, पार्टिसिपल्स हो सकते हैं, इन्फिनेटिव हो सकते हैं, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है और क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो नोट करना है कि इम्पोर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ठीक है, ये अभी पूर्ण मीनिंग नहीं दे रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के बावजूद, इनको एक शब्द और चाहिए होता है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे कौन से वर्ब हैं, तो अपॉइंट, बिलीव, कॉल, क्रिएट, इलेक्ट, फाइंड, मेक, सपोज, थिंक, विश, नेम एक्सेट्रा, तो ये सारे आपके ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं। ठीक है, यहां से भी आप समझेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और एग्जांपल समझते हैं। देखो यहां पे लिखा ही इज, तो इज आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ऊपर ट्रांजिटिव था अब यहाँ पे ट्रांजिटिव है, तो ही इज अ डॉक्टर, तो अगर हम सिर्फ इतना लिखें ही इज तो उससे मीनिंग नहीं लिखना नहीं निकलेगा, इसीलिए आगे लिखना पड़ेगा ही इज ए डॉक्टर, अब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यानी ये एक ऐसा वर्ड है, यानी ये एक ऐसा वर्ब है जिसको अपने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जब हम आगे जो वर्ड लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, और जो ये कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है, तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो वो एक नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, प्रेजेंट, प्रीपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडवर्ब, इन्फिनिटिव या क्लोज हो सकते हैं। तो यहां से आप पढ़ के आप इसकी मीनिंग समझ सकते हो, ही इज ए डॉक्टर, मैन इज मॉर्टल,
ही लुक्स टायर्ड आई एम ऑन द कमेटी द क्लास इज ओवर द लाइट इज ऑफ यू अपीयर टू हैव बीन बिटन यूअर बिहेवियर इज एज आई एक्सपेक्टेड. तो एज आई एक्सपेक्टेड क्लोज है, टू हैव इन्फिनेटिव है, ऑफ एडवर्ब है, ओवर एडवर्ब है, ऑन द कमेटी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टायर्ड ये पार्टिसिपल है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल, और मोर्टल जो है ये आपका एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, और ये सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है तो ये नाउन है. ठीक है, डॉक्टर एक नाउन है. तो इतनी चीजें हमने देखा कि एक कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब भी ऐसी होती है जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यानी पूरी मीनिंग नहीं देती है, ये भी अपनी मीनिंग नहीं दे पाती है. तो इनके बाद जो वर्ड लिखे जाते हैं उन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. तो यहां से आप नोट कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, तो वो है कौन कौन से, बी बी यानी लिंकिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर. इसके अलावा सीम भी लिंकिंग वर्ब है, सीम बिकम लुक अपीयर ग्रो टेस्ट टर्न गो एक्सेट्रा. तो ये सारे आपके इनट्रांजिटिव वर्ब हैं और ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये अपनी पूरी मीनिंग नहीं दे पाते हैं, तो इनके बाद जो आगे लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं. तो अब आपको यहां से समझना है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन लिखे जाते हैं तो वो आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं. लेकिन अगर आपको देखोगे कि लिंकिंग वर्ब, जब लिंकिंग वर्ब के बाद वो कॉम्प्लीमेंट बनते हैं जो एडजेक्टिव की तरह लिखे गए हों, एडवर्ब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्लोज या इन्फिनेटिव लिखे हों, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखे जाते हैं. ठीक है, यानी इन्हीं के बाद, इज एम आर वाज वर, सीम बिकम लुक अपीयर ग्रो टेस्ट टर्न गो, और भी तरह के वर्ब होते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में ये होता है, मेन अंतर तो ये होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन प्रोनाउन, कॉम्प्लीमेंट होते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्लोज इन्फिनेटिव. ठीक है, ये सब होते हैं. अब यहां से हम सीखेंगे मेन पॉइंट टू रिमेम्बर, मतलब याद करने वाले मेन मेन पॉइंट. ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफाइज द सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो अपने सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, अपने सब्जेक्ट के गुण बताता है. इट कम्स आफ्टर सम इंट्रांजिटिव वर्ब, कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है. एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफाई एन ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये अपने ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, और इट कम आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं. तो दोनों में ये अंतर है, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने इन्फिनेटिव वर्ब के बाद आते हैं और वो सब्जेक्ट की जानकारी देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं और वो अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट की जानकारी देते हैं. नंबर दो, एक ही शब्द एक वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है. जैसे हम लिखे आई एम एंग्री, तो सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये इसकी ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है. तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं लिंकिंग वर्ब से जुड़ते हैं वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. तो ये अभी हमने देखा कि जो एंग्री वर्ड है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में, और ही मेड मी एंग्री, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे फिर एंग्री आ गया. तो एंग्री यहाँ पे क्या है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है इस, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो एक ही बार एंग्री एक जगह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और एक जगह ऑब्जेक्ट के बाद आके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है. तो हमने देखा कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं. तो आज के लिए हमने देखा इतनी जानकारी. ये सब अगर आपको कम समझ में आता हो तो आपको जरूर एक से दो बार वीडियो को और देखना चाहिए ताकि आपकी जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो सके. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में.